देखिए, जनरली आमतौर से बोलचाल में लिखने पढ़ने में प्रयोग करते हैं बहुत। तो शुरू में बहुत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं और हिंदी में क्या अर्थ और मतलब होता है, दोनों में जानेंगे, एग्जाम्पल से सेंटेंसेस में यूज करके अच्छी तरह से समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हम हिंदी में समझते हैं क्या अर्थ होता है, क्या मतलब होता है बहुत का। देखिए, बहुत का अर्थ होता है, मतलब होता है बहुत सारे, अधिक संख्या या अधिक संख्या में, अनेक, कई, बहुमत को हम बहुत बोलते हैं, एकाधिक मतलब एक से अधिक को हम बहुत बोलते हैं, बहुमत में जो हो बहुत बोलते हैं, अक्सर, अधिकतर, बहुत से, बहुत सारे, इतने, इतने सारे, मतलब बहुत। इंग्लिश में बहुत को बोलते हैं मेनी या वेरी, लॉट या अलॉट, मेनी ऑफ, मच ऑफ, टू या टू मच या मच, सो, न्यूमरस, ग्रेटली, अ ग्रेट या फिर अ गुड डील ऑफ एंड इट इज, मतलब और भी इंग्लिश में इसके शब्द हो सकते हैं बहुत के। अब एग्जाम्पल से सेंटेंसेस में समझते हैं, फिर अच्छी तरह समझ में आएगा। जैसे बोलेंगे आम बोलचाल में तो इस तरह से इस शब्द को प्रयोग करेंगे, उदाहरण बहुत सारे हैं पर दूंगा एक ही, मतलब इंग्लिश में देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स बट आई विल गिव ओनली वन। तो मेनी का मतलब बहुत या बहुत सारे। दूसरा एग्जाम्पल है कि मेरे विचार में केवल तुम बहुत खूबसूरत हो, मतलब इंग्लिश में Only you are very beautiful in my opinion. तो very का मतलब बहुत। ठीक है, तुमने अपने बहुत शब्द को हिंदी इंग्लिश में एग्जाम्पल के साथ में अच्छी तरह से समझ लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एजुकेयर डेस्क।